लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, अब इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन गिवन है, एक्सप्लेन व्हाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। यहाँ पे दो नंबर्स गिवन है एंड हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि 7 है, ये एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के केवल दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर खुद होता है। एंड कंपोजिट नंबर लाइक 4, इसके मोर देन टू फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा, नेक्स्ट 2 होगा एंड लास्ट हो जाएगा 4। आप देख रहे हैं यहाँ पे मोर देन टू फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स में हम 1 को भी काउंट करते हैं। अगर बाई चांस हम इस 4 के फैक्टर के लिए केवल 2 × 4 राइट करते हैं तो हम इसको बोल सकते हैं कंपोजिट नंबर, बिकॉज कि इसमें 1 भी है जिसे हमने राइट नहीं किया हुआ है, तो 4 भी एक कंपोजिट नंबर होगा। तो जस्ट मीन ये है कि 1 और उस नंबर के अलावा अगर कोई तीसरा नंबर है जो उस नंबर के फैक्टर में आ रहा है, जो उस नंबर का फैक्टर है, या फिर आप बोल सकते हैं अगर किसी नंबर का मोर देन टू फैक्टर्स हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो नंबर कंपोजिट नंबर है। आप कंपोजिट नंबर समझ गए हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम पहले क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 7 × 11 × 13 + 13। आप देख रहे हैं कि ये तीनों नंबर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, प्लस 13 है, तो हम इन दोनों नंबर से 13 कॉमन कर सकते हैं। तो हम पहले यहाँ पे 13 कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 × 11 + 1। 13 तो कॉमन हो गया, यहाँ से 13 कॉमन हो जाएगा, तो इसे हम 1 राइट कर लेंगे। नेक्स्ट 13, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 7 × 11 = 77 + 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 13 × 77 + 1 = 78 हो जाएगा। अब इसे हम फैक्टर के फॉर्म में राइट कर लेते हैं। 13 का तो फैक्टर सेम होगा, 13 ही होगा, या फिर हम इसे 1 × 13 भी राइट कर सकते हैं। एंड 78 का फैक्टर हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या आएगा एंड यहाँ पे राइट कर लेंगे। 78 का फैक्टर करते हैं, ये हम रफर में कर रहे हैं, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18। नेक्स्ट 3 से डिविजिबल है, 3 × 1 = 6, 3 × 3 = 9 एंड नेक्स्ट 13 से, तो ये हो जाएगा 13 × 1 = 13। तो हम 13 को एज राइट कर लेते हैं एंड 78 का जो हमने फैक्टर फाइंड आउट किया उसे राइट कर लेते हैं, 2 × 3 × 13। आप देख रहे हैं कि हमने इस नंबर को फैक्टर के फॉर्म में राइट किया तो इसके फैक्टर आ रहे हैं 13, 2 और 3, जिसमें 13 टू टाइम्स आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो नंबर गिवन था, इस नंबर के मोर देन टू फैक्टर्स हैं, इसलिए ये नंबर कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो ये हमें दोनों नंबर्स के लिए शो करना है, तो इसके तो हमने फैक्टर फाइंड कर लिए, इसे शो कर लेंगे। अब इसके भी फैक्टर फाइंड आउट करके दोनों के लिए स्टेटमेंट एक साथ राइट कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। नंबर गिवन है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब इस नंबर में देखते हैं कि सारे ही नंबर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, प्लस 5 है, यहाँ पे तो 5 है। अब आप देखिए इस मल्टीप्लिकेशन में भी यहाँ पे 5 आ रहा है, मीन हम 5 को कॉमन कर सकते हैं, तो 5 को हम पहले कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, प्लस करके 5 कॉमन हो गया, तो यहाँ पर भी 1 आ गया। ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। अब 5 इंटू करके ये जितने भी नंबर हैं इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इन सभी नंबर्स का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1008 एंड प्लस 1 कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 5 × 1008 + 1, ये हो जाएगा 1009। अब आप देख रहे हैं कि 1009 तो एक प्राइम नंबर है जिसके फैक्टर्स फाइंड आउट नहीं हो सकते, मींस कि इसके फैक्टर केवल 1 और 1009 होंगे, तो हम ये राइट कर सकते हैं 1 × 5 × 1005। यहाँ पे दो फैक्टर्स हो रहे थे इसलिए हमने यहाँ पे 1 राइट कर लिया। आप ये राइट भी कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। तो आप देख रहे हैं
दोनों ही नंबर्स में मोर देन टू फैक्टर्स आ रहे हैं, इसलिए ये दोनों ही नंबर कंपोजिट नंबर हैं। बट इसका स्टेटमेंट राइट कैसे करते हैं? ये दोनों क्वेश्चंस के लिए हम सेम स्टेटमेंट राइट करेंगे। इसे इस टाइप से राइट कर सकते हैं, सिंस बोथ नंबर आर कंटेंट्स मोर देन टू फैक्टर्स देयर बोथ नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो देखा, ये क्वेश्चन भी काफी इजी है। जस्ट हमें ये जो भी दो नंबर्स गिवेन है, इसे कंपोजिट नंबर शो करने के लिए हमें इसके मोर देन टू फैक्टर शो कर देने हैं। देन ये प्रूव हो जाएगा कि अगर मोर देन टू फैक्टर्स है एक नंबर के, तो वो नंबर कंपोजिट नंबर है। तो जस्ट हमने यही किया है, दोनों नंबर्स के मोर देन टू फैक्टर्स हमने शो कर दिए हैं एंड राइट कर दिया, बोथ नंबर्स कंटेंस मोर देन टू फैक्टर्स देयरफॉर बोथ नंबर आर कंपोजिट नंबर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, क्वेश्चन समझ आते हैं, देन हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।